हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष का व्रत देवों के देव महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। प्रदोष का व्रत रखने से और भगवान शिव का पूजन अर्चन करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है। प्रदोष के व्रत में प्रातःकालीन पूजा का तो महत्व होता ही है, इस दिन संध्याकालीन अर्थात प्रदोषकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब मनाया जाएगा, यह किन शुभ योगों में प्रारंभ हो रहा है, इस दिन शिववास कहाँ है, इस दिन की प्रदोषकालीन पूजा का मुहूर्त क्या है और अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। 2024 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा। बुध प्रदोष करने से बुध ग्रह मजबूत बनता है। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित माना जाता है, इसलिए बुध प्रदोष करने से भगवान शिव की कृपा के संग संग गणेश जी की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे जीवन में चल रहे समस्त प्रकार के संकटों से कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है और जीवन में सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। उत्तम शिक्षा और उत्तम बुद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या फिर बच्चे की उत्तम शिक्षा की कामना है, उसके उत्तम बुद्धि की कामना है, उसके उत्तम स्वास्थ्य की कामना है, तो इस दिन गणेश जी के सामने सुबह और शाम में दोनों समय में गणेश जी को हरी इलायची अर्पित करनी चाहिए और सुबह और शाम दोनों समय में 21-21 बार ओम बुद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। इसके अतिरिक्त अगर उत्तम शिक्षा की कामना है, उत्तम बुद्धि की कामना है, उत्तम स्वास्थ्य की कामना या फिर अन्य कोई मनोकामना है, तो इस दिन प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में भगवान शिव के मंदिर में जाके शिवलिंग के समीप घी का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान शिव से अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अन्य जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करना चाहिए। यह भी जो उपाय है बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। 2024 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 3 जुलाई दिन बुधवार की सुबह में 7:10 पर हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का समापन 4 जुलाई दिन गुरुवार की सुबह में 5:54 पर हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में हमें प्राप्त होती है। भले ही पूरे दिन त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो या ना हो, लेकिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, तभी प्रदोष का व्रत रखा जाता है। तो 3 जुलाई दिन बुधवार को हमें पूरे दिन और पूरी रात्रि त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, तो यह प्रदोष का व्रत 3 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। 3 जुलाई और दिन बुधवार का जो बुध प्रदोष है यह सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न हो रहा है, जो जिससे कि इस बुध प्रदोष का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम है। सर्वार्थ सिद्धि योग में हम जो भी मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी स्तोत्र पाठ हम करते हैं, भजन कीर्तन आदि जो भी हम शुभता और मंगल काम कार्य करते हैं, वो कार्य अवश्य सफल होता है और हमारी जो मनोकामना होती है वो अवश्य पूर्ण होती है। तो इस प्रकार 3 जुलाई दिन बुधवार का जो प्रदोष व्रत है बहुत ही शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। 3 जुलाई दिन बुधवार के दिन शिववास सुबह में 7:10 तक नदी पे हैं, उसके पश्चात भोजन में है। इस दिन प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6:53 से लेकर रात्रि में 8:57 तक है। तो जिस समय प्रदोषकालीन पूजा का समय रहेगा उस समय शिववास भोजन पे रहेंगे। तो भगवान शिव का अभिषेक करने के पश्चात, उनका श्रृंगार करने के पश्चात, उनकी पूजा आराधना करने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती से अपने हर प्रकार की पीड़ा को दूर करने के लिए, अपने हर प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा। भगवान शिव अघ्रदानी हैं, हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बुध प्रदोष के दिन हरे रंग की प्रधानता रहेगी, क्योंकि हरे बुधवार के दिन हरे रंग की प्रधानता होती है, तो इस दिन हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, हरे रंग का जो चारा होता है वो गायों को या अन्य पशुओं को इस दिन खिलाना चाहिए। इसके अलावा हरे रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, जैसे हरे रंग के वस्त्र हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ हैं, हरा मूंग है, हरी उड़द है, हरे रंग के जो फल हैं, अन्य भी बहुत सारी सामग्रियाँ जो हैं, उन सभी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए और ऐसे ही हरे रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव को अर्पित भी करना चाहिए, जैसे शमी पत्र है, बेलपत्र है, दुर्वा है, ये धतूर का फल है व फूल है, धतूर और मदार का फूल और पत्र है, ये सभी चीज़ें उन्हें दान करना चाहिए। हरा मूंग है, हरा उड़द है, इन सब चीज़ों को भी भगवान शिव को ज़्यादा से ज़्यादा अर्पित करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। और इस दिन भगवान शिव के समीप बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए या और अन्य भी जो
भगवान शिव के अब स्तोत्रों का पाठ करते हैं, उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। और शिवलिंग के पास बैठ के अपने घर में जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं उसके पास, या फिर जो मंदिर में आप बैठ के पूजा कर रहे हैं उनके पास बैठ के अपनी हर मनोकामना को उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी हर प्रकार की पीड़ा, अपने कष्ट को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही दयालु हैं, आपकी जितनी समस्त प्रकार के कष्ट हैं, पीड़ा हैं, सबको दूर करते हैं और हर प्रकार की जो मनोकामना होती है उसको पूर्ण करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।